सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय गेमिंग चैनल अलोन बादशाह 2.0। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना ही तो कोई अपडेट के ऊपर है और ना ही कोई न्यूज के ऊपर। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारे फेसबुक और जीमेल अकाउंट के ऊपर, मतलब उसे कैसे सिक्योर करें। ठीक है, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखो, और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो यार आपको फायदा होगा, क्योंकि देखो फ्री फायर के काफ़ी सारे अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो उसी के लिए ये एक स्पेशल वीडियो है। मतलब काफ़ी सारी इसमें नॉलेज है आप लोगों के लिए, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखो, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, तो देखो मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप शायद अपने आप से रिलेट कर पाए, मतलब आपके साथ भी ऐसा होता होगा या आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ होगा। तो देखो, किसी का अगर फेसबुक हैक हो जाता है तो वो सबसे पहले क्या सोचता है कि मतलब मेरा फेसबुक हैक हुआ कैसे। तो देखो यही पॉइंट होता है कि मतलब हैक हुआ कैसे। ये ऐसा नहीं है यार कि फेसबुक मतलब चूतिया है, मतलब इतना सारा, इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छी खासा पैसा अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यार आके हैक कर लेगा। तो वो हैक होता है सिर्फ और सिर्फ किसी भी बंदे की बेवकूफ़ी की वजह से। ठीक है, हम ही बंदे होते हैं, आप या मैं, मतलब इनमें से कोई ऐसा होता है जो मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, या मुझे या आपको ऐसा नॉलेज नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि अगला बंदा बेवकूफ़ बना के अकाउंट हैक कर लेगा। 90% लोगों के साथ यही होता है कि उन्हें नॉलेज नहीं होती है, और जो भी मतलब ऐसा होता है स्कैम वगैरह, तो वो उसमें फंस जाते हैं। तो वही मैं स्कैम्स कुछ आपके सामने मतलब बताऊंगा कि कैसे क्या स्कैम होते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट स्कैम आता है हमारा, जो कि आप लोगों ने व्हाट्सअप अगर आप चलाते हो तो देखो व्हाट्सअप पर देखा होगा कि लोग लिंक भेजते हैं। आपके ही फ्रेंड आपको लिंक भेजेंगे और बताएंगे कि इस पर जाओ और डायमंड अपने जनरेट कर लो, ऐसी कुछ वेबसाइट होगी। देखो तो इस वेबसाइट पर आप जाओ और सीधे डायमंड डालो और आईडी पासवर्ड डाल के सीधे आप डायमंड क्लेम कर लो। मतलब ये आपका फ्रेंड आपसे कहेगा कि नॉर्मली ये साइट है, इस पर जाओ। तो देखो उस साइट पर क्या होता है, सबसे पहले अगर आप लोगों को टेक के बारे में मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो देखो बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, इसे कहते हैं फिशिंग। ठीक है, फिशिंग कहते हैं इसे हैकिंग की भाषा में। तो देखो फिशिंग क्या होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका घर है, उसी के सामने अगर मैं कोई दूसरा घर खड़ा कर दूं, तो आपको एक टाइप यही लगेगा कि ये मेरा ही घर है, तो साथ उसमें आप चले जाओ। ठीक है, यही होता है फिशिंग, मतलब कि फेसबुक का जो ओरिजिनल पेज है उसी की टाइप, मतलब जो हैकर लोग होते हैं उसका एक दूसरा पेज बनाते हैं जिसे फिशिंग पेज कहा जाता है। और यही हैकिंग की, हैकर की सबसे अच्छी मतलब एक स्ट्रेटजी है कि 90% लोग यही मतलब स्ट्रेटजी यूज करते हैं फिशिंग की। फिलहाल फिशिंग अभी तक तो मतलब काफ़ी सारे बंदे जान चुके हैं, लेकिन कुछ बंदे अभी भी ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि फिशिंग क्या है। तो देखो सबसे पहले हैकर ने आपके पास लिंक भेजा और उस पर कहा कि देखो इस साइट पर जाओ, आपको फ्री फायर डायमंड दे रहा है। आप जाओगे सिंपली, वहाँ जीमेल और पासवर्ड इंटर कर दोगे, इंटर कर दिया और आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा किसी और वेबसाइट पर। मतलब वो आप क्लिक करोगे, वैसे इस पर ढेर सारे एडवर्टाइज आना शुरू हो जाएंगे, शुरू हो गए, फिर आप कहोगे मतलब नहीं हो पाया, कुछ भी आप अपने मन में मतलब सोच लोगे, लेकिन वो आपका जो आईडी और पासवर्ड है वो तो चला गया ना, वो वहाँ उस साइट पर चला गया, और उस साइट पर से वो जाता है सीधे हैकर के पास। तो फिलहाल ये सब मतलब जितने भी लिंक होते हैं, सबसे पहली बात इन सबसे दूर रहो, इन पर क्लिक भी मत करना। और कुछ लिंक तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही आप अपने किसी भी ब्राउजर में ओपन करोगे, तो जो आपने अपने ब्राउजर में सेव पासवर्ड कर रखे हैं, मतलब जब आप किसी फेसबुक किसी भी अकाउंट में लॉग इन करते हो, तो हमारा गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर में वो कहलाता, मतलब कहता है कि देखो सेव कर लो पासवर्ड अपना, एक ऑप्शन आता है कि पासवर्ड सेव या नो, यस और नो। तो देखो आप लोग ज़्यादातर यस ही कर देते हो, सारे लोग यस कर देते हैं, मैं खुद यस कर देता हूँ, लेकिन जब आप कोई थर्ड पार्टी ऐसा कोई लिंक खोलते हो, तो वो लिंक जो आपके सेव पासवर्ड है वो भी चुरा लेता है। तो सबसे पहली बात दिमाग में इसे याद कर लो। तो देखो किसी की भी लिंक नहीं खोलना है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो यार गरेना खुद अपने मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक इतने सारे पेज हैं गरेना फ्री फायर के, वहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है। देखो गरेना दो ही तीन ऐसी चीज़ें हैं जो गिव अवे करता है। नंबर एक जो हमारा वो रिवार्ड FF गरेना, इस साइट पर मतलब ये साइट गरेना की ऑफिशियल साइट है, इस साइट पर आपको कुछ रिवार्ड मिलता है, जैसा कि अभी आपको एक बंडल मिला होगा। तो देखो इसी मतलब गरेना अगर ऐसा करेगा यार, तो वो खुद बता देगा ना, गेम में दे देगा ऐसा कोई पेज कि हाँ देखो इस लिंक पर जाओ, इस पर मतलब अपनी आईडी पासवर्ड डालो और आपको कुछ मिल जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है, और जो बंदे लोग ये भेजते हैं आपको लिंक, ये सारे के सारे फेक होते हैं। ठीक है, तो इन सबसे यार दूर रहो, किसी भी लिंक पर क्लिक मत करो, आईडी आपकी हमेशा सिक्योर रहेगी। तो अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और टिप्स की जो आपको फॉलो करने चाहिए। देखो नंबर एक, आप कभी भी अपनी अगर आपने फेसबुक अकाउंट बनाया तो एक सिम से एक ही अकाउंट बनाओ, मतलब एक नंबर से एक ही फेसबुक अकाउंट बनाओ। कभी कभी ऐसा बंदा करते हैं कि जैसे एक आईडी से एक नंबर से दो अकाउंट बना लेते हैं, काफ़ी पहले मैंने भी ऐसा किया था लोग में, और मतलब कुछ टाइम बाद मेरे दोनों अकाउंट एक में मर्ज हो गए। अब वो एक में हो गए तो मेरे दोनों अकाउंट मतलब नहीं खुल रहे हैं फिलहाल, वो आईडी दोनों ही बेकार हो गई। तो अगर कभी आपने ऐसा किया है कि फेसबुक एक आईडी से मतलब चल रही है, तो उस सिम से दूसरी आईडी कभी मत बनाना। और फिर अगले टॉपिक पर बात करते हैं, तो सबसे मेन बात आता है कि देखो कोई भी हो,
आपकी मतलब आपके मम्मी पापा भैया भाभी कोई भी हो, मतलब एनीथिंग यार, जीएफ तक किसी को भी पासवर्ड मत बताओ, कितना भी कोई सगा हो। मतलब गेम पर मैंने कुछ ऐसे बंदे देखे हैं जो मतलब इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि हाँ मतलब बिल्कुल जान तक दे देते हैं यार उनके लिए, लेकिन वही बंदे उनको चूना लगा के चले जाते हैं, मतलब आईडी पासवर्ड लेके चले जाते हैं। मेरे ही कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो मतलब जिनके साथ ऐसा हुआ है, काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो मतलब जिन्होंने अदर बंदों पर ट्रस्ट किया और मतलब उनके आईडी पासवर्ड चले गए। मैं इसका देखो ये मतलब नहीं है कि यार 100% बंदे गलत होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले, ठीक है। तो फिलहाल किसी भी बंदे को, अगर कोई भी है बंदा, उसे आईडी पासवर्ड मत दो फिलहाल, मतलब कितना भी यार सगा बंदा क्यों हो, उसे आईडी पासवर्ड कभी मत दो। और अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने अकाउंट में फेसबुक गूगल जो भी अकाउंट है उसमें आप सबसे पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप यूज करो, मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हमारी सिक्योरिटी है वो यूज करो। और उसका क्या यूज है वो आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, उन वीडियो को देखो, उन्हें समझो, उनसे अपनी फेसबुक की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। फिलहाल ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा यार, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो फिलहाल आप लोग किसी भी वीडियो को देख के समझ सकते हो। तो नाम याद कर लो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऐसे समझ लो जब भी आपकी आईडी कहीं खुलेगी तो आपके पास एक और ओटीपी आएगा कि आपकी आईडी खुल रही है, कि आप मतलब इस बात से मतलब इस बात को जानते हो कि आपकी आईडी ये बंदा खोल रहा है, तो मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा ओटीपी आएगा, इससे आपकी मतलब जो भी आईडी है इसमें सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। तो यार अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो कभी भी आपकी फेसबुक हैक नहीं होगी। तो यार उम्मीद करता हूँ कि यार आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ आया यार तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिलहाल तो इस चैनल पर आपको फ्री फायर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब एक्स्ट्रा वीडियो इसलिए डाली क्योंकि यार बहुत सारे बंदे इस टाइम स्कैम में फंस रहे हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली है, ठीक है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।